नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन होम रेमेडी, एक घरेलू उपाय लेकर के आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी दाढ़ी मूछों को जड़ से काला कर पाएंगे। यह नुस्खा उन लोगों के लिए भी है जिनके दाढ़ी मूछों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और यह नुस्खा उन लोगों के लिए भी है जो अपनी दाढ़ी मूछों को और भी ज़्यादा काला और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। दोस्तों इस नुस्खे में हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और यह तीनों चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं, बिल्कुल प्राकृतिक हैं, सेफ हैं। आप लोगों को इससे फ़ायदा ही होगा और यह बहुत ही कम दामों में आपको आसानी से घर के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों समय न गवाते हुए सीधे इस नुस्खे को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं नुस्खा आप लोगों को बताऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस नुस्खे में हम लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा हमारे चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों आप एक एलोवेरा ले लें और उसको इस तरीके से आप लोग इसे बीच से जब आप लोग काटेंगे दोस्तों किसी भी, तो बीच में ये जो गूदा दिख रहा है आपको, ये गूदा आपको इस तरीके से दोस्तों आप इसके गूदे को निकाल कर लगभग एक चम्मच आपको इसका गूदा लेना है। अगर आपको ये ना मिले किसी कारण तो आप मार्केट से भी जो अच्छी कंपनियों के जो एलोवेरा जेल होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लेंगे लगभग एक चम्मच दोस्तों हम लोग एलोवेरा का, लगभग एक चम्मच के आसपास हम एलोवेरा का जेल लेंगे। यह हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा पोषण देता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे ये है अरंडी का तेल। जी हाँ दोस्तों, कैस्टर ऑयल। यह आप आधे चम्मच के आसपास कैस्टर ऑयल को ले लें। इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक चीज़ और इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पहले हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह की जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों एलोवेरा का जेल और कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल मिलने के बाद ऐसा लगता है बिल्कुल सफ़ेद जेली की तरह ये बन जाता है। दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे आप लोग अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों जो आखिरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है दोस्तों लगभग एक पाउच हम नवरत्न का तेल लेंगे। नवरत्न का तेल दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया तेल है जो कई सालों से हमारे देश में बिक रहा है और इसके अंदर बालों को काला करने के लिए यह तेल बहुत उपयोगी है। इसके बाद दोस्तों एलोवेरा और कैस्टर ऑयल के जेल में हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कैसे लगाना है दोस्तों यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको लगाने का एक तरीका है, उस तरीके से आप लोग लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि नुस्खे आप लोगों को पता होते हैं लेकिन फिर भी उसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है यह ज़रूरी होता है। अगर यह बात आप लोग को पता होगी तो आप लोगों को पूरा फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों इसे मिला लेने के बाद यह घोल इस तरीके से बन जाएगा। अब दोस्तों हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले आप इसे ले करके अपने उंगलियों के सिरे से इसको हल्का हल्का आप भिंगाएं और पहले आप अपने दाढ़ी मूछों के जो जड़ होते हैं वहाँ पर अच्छे से आप इससे मालिश करें। ठीक है, पहले जड़ों पर, पूरे दाढ़ी मूछों के, ऐसा नहीं कि आपने लिया और बस ऊपर ऊपर से लगा लिया और हो गया, नहीं नहीं, पहले आपको उंगलियों के सिरे पर लेकर के पहले आपको जड़ों में मालिश करनी है पूरे दाढ़ी के। ठीक है दोस्तों, दाढ़ी मूछों के जब आप पूरी तरीके से मालिश कर लें उसके बाद आप इसे अच्छे से लगा लें चेहरे पर। आप इसे जितने देर तक रख सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर उतनी देर तक रखें और फिर आप इसे धो सकते हैं। कम से कम हर दिन आप इसे 3 से 4 घंटे ज़रूर रखें दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपके दाढ़ी मूछों को जड़ से काला करने के लिए यह प्रयोग बहुत ही